मैं राकेश भारद्वाज रुद्रा कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 का जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है 2019 में जो होने वाला है 12 फरवरी से, उसके लिए मैं भौतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि संभावना है हमारे अगले ये जो 2019 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आने का, उन एग्ज़ामों की उन प्रश्नों का मैं एक सीरीज आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझको आशा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अतः यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल रुद्रा कंपटीशन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में, दोस्तों में, ग्रुप में और जो भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं आपके, उन अकाउंटों में शेयर करें। तो आइए मित्रों, आज मैं शुरू करता हूँ। भौतिक विज्ञान का जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसका क्वेश्चन सीरीज, जिसमें मैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखूंगा। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा जो वो है पहला हमारा जो प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। जो हमारे सामने चार विकल्प हैं और प्रश्न है हमारा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है। विकल्प दिया हमारे पास पहला शून्य, ठीक है। दूसरा विकल्प दिया है हमको अनंत, ठीक है। तीसरा विकल्प दिया है 25 सेंटीमीटर और अगला जो विकल्प दिया है वो दिया है -25 सेंटीमीटर। तो आपको बता दें ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें हमको ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर जो जानकारी है हमको कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है हमारी अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। और आगे दिया है बाबू कि सबसे कम प्रकीर्णन किस प्रकाश में होता है। तो आपको बता दें सबसे जो कम प्रकीर्णन होता है वो होता है लाल रंग की प्रकाश में। और आप लोग को मालूम भी होगा कि खतरे के निशान पर, यानी जो खतरे वाले जगह होते हैं वहां पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पे सॉरी सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। इसलिए खतरे के जो स्थान होते हैं वहां पे लाल रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग की प्रकाश का हम प्रयोग करते हैं। और सबसे अधिक प्रकीर्णन, याद रखिएगा, लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है, ठीक है। और जो बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग इसका जो होता है सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, ठीक है। और आगे दिया है बाबू कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है। आप लोगों को मालूम होगा कि जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है, लेकिन अंतर क्या? अंतर सिर्फ यही होता है कि इलेक्ट्रॉन पर हमारा ऋण आवेश होता है, ठीक है, और प्रोटॉन पर जो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन आवेश की जो मात्रा होती है वो दोनों में बराबर होती है। दोनों का मास जो होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन जो आवेश की जो मात्रा होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की बराबर होती है। और वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की जो आवेश की मात्रा होती है वो होती है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। ध्यान दीजिए आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रा कूलाम होता है और इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, प्रोटॉन पर ही इतना ही आवेश होता है। प्रकृति इनकी बदल जाती है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश हो जाता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें दिया है आगे कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन हमारे पास है चार। पहला दिया है वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर, दूसरा हमारे पास दिया है टेस्ला, तीसरा दिया है गॉस और अगला दिया है न्यूटन प्रति एम्पियर। याद रखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, ठीक है। टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, गॉस भी होता है, लेकिन न्यूटन प्रति एम्पियर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर दिया है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हमारा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं होता है। देखिए होता क्या है, तो F बराबर हम पढ़े हैं होता है BIL sin थीटा। आप लोग पढ़े होंगे F बराबर होता है BIL sin थीटा,
यहां से हम थीटा बराबर ले लेते हैं, ध्यान दीजिए 90, तो एफ बराबर हो जाएगा बाबू बी आई एल। यहां से हम बी का जो मात्रक निकालते हैं तो एफ बराबर बी इजकल टू होता है एफ बटा में आई एल, और यहां से इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न कि आपका न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, हमारा जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो ये हमारे पास जो चार बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं हमारे भौतिक विज्ञान में, ये चार बहुविकल्पीय प्रश्न थे। उसके बाद हमारे दो नंबर के क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला है हमारा प्रश्न बाबू कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अगर जो आप लोग पेन पेपर लिए हैं तो इसको नोट कीजिए और वीडियो को जो है रोक करके और इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बहुत इजी प्रश्न है, आइए देखते हैं। दिया बाबू कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ध्यान दीजिए आर का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी फोकस दूरी पूछ रहा। बहुत आसान सवाल है, आप लोग जानते होंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है उसके अनुसार आप लोग पढ़े होंगे कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात होता है एफ इजकल टू आर बटा में दो। ये होती है हमारा संबंध, एफ और आर में संबंध होता है, आर जो है वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, और f जो है हमारा फोकस दूरी है। तो f इजकल टू होता है r बटा में दो, r का मान दिया हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी निकाल देंगे तो हो जाएगा 20 और बटा में दो, यानी हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या जो दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो बहुत ईजी सवाल था। आगे चलते हैं बाबू, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय? ये हमारा दो नंबर का प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता से हमारा क्या अभिप्राय है? तो हमारा अगला प्रश्न है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ये वो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? अच्छा, आप लोग कभी सोचे हैं कि हम दूर की वस्तु को भी इसी आंख से स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, और नज़दीक की जो भी वस्तु है उसको अपनी ही आंख से, नज़दीक की वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक ही लेंस है हमारे आंख के अंदर, नेत्र लेंस, जो उत्तल लेंस है, जो दूर वाली वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देखता है और नज़दीक वाली वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो ये कैसे होता है? तो सिलेरी पेशिया जो होती है वो हमारे नेत्र लेंस के इर्द गिर्द जो ऊपर नीचे है सिलेरी पेशिया होती है। जो सिलेरी पेशिया क्या करती है कि वस्तु की स्थिति के अनुसार हमारी नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसको परिवर्तित करती रहती है, दूर की वस्तु को देखने के लिए एडजस्ट करती है कि दूर की वस्तु हमको दिखाई दे दे, लेंस को इस हिसाब से बनाती है, फोकस दूरी इसकी परिवर्तित करती है। नजदीक की वस्तु जब स्थित है तो नजदीक की वस्तु को देखने के लिए हमारी सिलेरी पेशिया क्या करती है कि नजदीक की वस्तु को देखने के लिए नेत्र लेंस को एडजस्ट करती है, यानी फोकस दूरी उसकी परिवर्तित करती है ताकि नजदीक की वस्तु दिखाई दे दे। तो इस प्रकार सिलेरी पेशियों के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है वही क्षमता नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो कहा जाता है बाबू कि सिलेरी पेशियों के माध्यम से नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता को हम कहते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को, मैं आगे चलूं। आते हैं, कह रहे बाबू कि विद्युत धारा का मात्रक लिखिए और तथा उसका परिभाषा दीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। आते हैं विद्युत धारा, आप जानते हैं बाबू कि आई इजकल टू होता है क्यू बटा में टी, आई इजकल टू क्यू बाई टी होता है। यहां से हम विद्युत धारा का परिभाषा देते हैं कि आवेश प्रवाह की जो समय दर होती है, आवेश प्रवाह की जो समय दर होती है उसी समय दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की समय दर, यानी आवेश प्रवाह की जो समय दर है उसी को वैद्युत धारा कहते हैं। या दूसरा परिभाषा हम दे सकते हैं कि आवेश तथा समय के अनुपात को हम वैद्युत धारा कहते हैं। देखिए यहां पर हमारा क्यू है और यहां पर हमारा टी है, या आवेश और समय का जो है ये रेशियो है, या आवेश और समय का क्या है, रेशियो है, अनुपात है, और इसी अनुपात को ही क्या कह रहे हैं, वैद्युत धारा कह रहे हैं। तो आवेश और समय का जो अनुपात होता है वही अनुपात हमारा वैद्युत धारा कहलाता है। अब इसका हम मात्रक निकालते हैं, तो इसका एक मात्रक होता है बाबू एम्पियर,
अब इसका मात्रक क्या होता है हमारा, एम्पियर होता है, ठीक है। और एक और मात्रक होता है बहु, ये होता है कुलाम प्रति सेकंड। अब इसका सॉरी धारा का एक और मात्रक होता है कुलाम प्रति सेकंड, क्योंकि अब इसका मात्रक कुलाम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस प्रकार हमारा आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए बाबू, आगे दिया है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है तथा किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, किरण आरेख हमको खींच करके दर्शाना है, ध्यान दीजिए। तो उत्तल दर्पण में बाबू याद रखिएगा, कभी भी उत्तल दर्पण में हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है ध्यान दीजिए। जैसे हम यहाँ पे एक उत्तल दर्पण ले रहे हैं, ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है, पॉलिश हम कर देते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण ये मेन एक्सिस हो गया, हमारा मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे आपका दर्पण का ध्रुव होता है पी, यहाँ पर आपका मुख्य फोकस होता है एफ, और यहाँ पर वक्रता केंद्र क्या होता है, सी होता है, आप लोग को मालूम होगा। तो जब हम कोई वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली जो किरणें होती है, इन्फिनिटी से जो चलने वाली किरणें होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, और जब ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो समांतर आपतित जो किरण होती है वह जो है मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, यानी हमको लगता है कि मुख्य फोकस से होकर जा रही है। इस स्थिति में क्या होता है कि दोनों ये जो परावर्तित किरणें हैं, दोनों परावर्तित किरणें मुख्य फोकस पर काटती हुई प्रतीत होती है, दोनों परावर्तित किरणें मुख्य फोकस पर काटती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो दोनों परावर्तित किरणें जब मुख्य फोकस पर काटती हुई प्रतीत होती है तो इस स्थिति में वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रश्न में आपका यही दिया कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है तथा किरण आरेख खींचकर हमको समझाना है। तो उत्तल दर्पण में हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, और किरण आरेख आपका ये रहा। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान से देखिएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि दूर दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है, इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है, ध्यान दीजिए। आप लोग को मालूम होगा कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। दृष्टि दोष का मतलब होता है बाबू, एक हमारा नियर पॉइंट होता है, एक निकट बिंदु होता है, और एक हमारा दूर बिंदु होता है, ठीक है। मान लीजिए कि हमको मिनिमम यहां तक दिखाई दे रहा है और मैक्सिमम कुछ दूरी तक दिखाई दे रहा है, यानी कम से कम एक स्वस्थ मनुष्य जो है 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, और अधिक से अधिक एक स्वस्थ मनुष्य जो है अनंत दूरी तक देख सकता है। तो नियर पॉइंट क्या है, मान लीजिए हम यहां तक नजदीक, मान लीजिए हमारा ये ह्यूमन आइज है, मानव नेत्र है, और हम कम से कम यहां तक देख सकते हैं और अधिक से अधिक यहां तक देख सकते हैं, तो 20 से 25 सेंटीमीटर कम से कम दूरी तक देख सकते हैं और अनंत तक जो है अधिक से अधिक हम देख सकते हैं। तो होता क्या है, नजदीक यहां और ये दूर यहां पे है, तो बीच में जो भी वस्तु रखेंगे, बीच में जो भी वस्तु रखते हैं वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट बिंदु से लेकर दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे दृष्टि विस्तार क्षेत्र कहते हैं, और दृष्टि विस्तार क्षेत्र में रखी वस्तु को स्वस्थ मनुष्य आसानी से देख सकता है, यानी उसका जो वस्तु उस क्षेत्र के अंदर रखी गई है उसका स्पष्ट प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन सकता है। और जब दृष्टि विस्तार में क्षेत्र में रखी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, कहीं दृष्टि विस्तार क्षेत्र में रखी वस्तु, यानी इस क्षेत्र में रखी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, तो कहते हैं कि हमको दृष्टि दोष हो गया। और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, जिस प्रकार इन लोगों का नाम है सेम, ये नाम का उल्टा। जैसे दूर दृष्टि दोष क्या है, तो दूर दृष्टि दोष में हम जैसे कहेंगे दूर दृष्टि दोष क्या है, तो आपको भी ऐसा लगेगा, अगर जब हम कुछ नहीं जानते हैं तो हमको लगेगा कि दूर दृष्टि दोष में क्या है भाई, तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती होगी, इस प्रकार इसे दूर दृष्टि दोष हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका उल्टा हमको समझना है। हमसे पूछ रहा है कि दूर दृष्टि दोष इसका मतलब कि इसको दूर का ही दिखाई दे रहा है, नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहा जाता है बाबू कि मानव नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष को चिकित्सा की भाषा में हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष को चिकित्सा की भाषा में हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, और इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान से
सुनिएगा और आप लोग इसे कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिए, जब किसी चालक तार में धारा हम प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ध्यान दीजिए बाबू, ऊष्मा जो उत्पन्न होती है हमारा, ऊष्मा का फॉर्मूला होता है h=I²R×T। यानी बाबू इन चीजों पर हमारी ऊष्मा जो होती है निर्भर करती है, आई क्या है तो धारा है, धारा पर निर्भर करती है, आर क्या है तो प्रतिरोध है। और आपको बता दें प्रतिरोध का खोज, प्रतिरोध का परिभाषा जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। और टी क्या है बाबू, समय। तो इन चीजों पर आई क्या है, धारा। आई आपकी है धारा, वैद्युत धारा, विद्युत धारा है, ठीक है। आर आपका प्रतिरोध है, तो जो प्रतिरोध है यानी ये प्रतिरोध, वैद्युत धारा और समय, ये जो है इन तीन कारकों पर हमारी जो चालक तार की ऊष्मा है वो तीन कारकों पर, आई पर, आर पर यानी आई वैद्युत धारा पर, आर यानी प्रतिरोध पर, टी यानी समय पर निर्भर करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला हमारा एक न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा हूं कि 220 वोल्ट और 10 एम्पियर, यानी हमारे पास V का मान दिया है 220 वोल्ट और I का मान दिया है 10 एम्पियर, ठीक है। और कह रहा बाबू एच हाइट का मान दिया है 40 मीटर और एम का मान आपसे पूछ रहा है, सवाल को समझाएंगे अभी। मोटर की दक्षता दिया है हमको 80% और जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कह रहा बाबू कि 220 वोल्ट एवं 10 एम्पियर धारा वाले विद्युत मोटर द्वारा आधे घंटे में 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पानी टंकी में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है। यदि मोटर की दक्षता 80% हो तथा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो बताइए कितना पानी है, यानी हमको द्रव्यमान पूछ रहा हो कितना पानी पहुंचाया जा सकता है। टी बराबर दिया आधा घंटा यानी 30 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा हमको 1800 सेकंड, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है ध्यान दीजिए कि इसकी दक्षता दिया है 80%। सबसे पहले तो इसका पावर निकालेंगे कि इस मोटर का पावर कितना है। तो मोटर का पावर P बराबर हम जानते हैं, P बराबर होता है VI। P का मान निकालेंगे तो V का मान दिया है 220, I का मान हो जाएगा 10, P बराबर निकल गया हमारा 2200, ठीक है। लेकिन 2200 तो इसका पावर है, याद रखिए 2200 तो पावर है लेकिन इसकी जो दक्षता है वो है हमारी 80%। यानी कुछ प्रतिरोध के कारण, किसी के कारण जो है इसकी 20% दक्षता कम हो गई है। इसकी जो दक्षता है वो हमारी कितनी है, 80% है। तो सबसे पहले हम पी का 80% निकाल लेंगे, तो पी का 80% निकालेंगे तो 2200 का 80% निकाल देंगे हम, ये हो जाएगा वो 80 और ये हो जाएगा हमारा 100। कटा दीजिए 22 से 8 में गुणा करा दीजिए 176, ये हमारा हो गया 1760। ये हमारा ओरिजिनल पी हुआ। 80% दक्षता के बाद 20% जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारी जो ओरिजिनल दक्षता हो गई 1707। अब इस प्रकार हम फार्मूला जानते हैं, पी बराबर होता है डब्लू और बटा में टी। तो पी बराबर हो जाएगा, डब्लू के जगह पे हम रखते हैं MgH जो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है, और ये हो गया टी। तो पी के जगह पे क्या रखेंगे, 1760, ये हो गया 1760, ठीक है। एम के जगह पे M का मान निकालना है, जी का मान हो जाएगा 10, H का मान दिया हमारे को 40 और T का मान हो जाएगा 1800, ठीक है। इस प्रकार 00 से 00 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 से कटा दीजिए, 2 से कटाइए 9 बार में, ये हो जाएगा 2 बार में। तो इस प्रकार M का मान निकाल देंगे, ध्यान दीजिए M का मान निकाल देंगे तो हो जाएगा ये 1760 और 9 से गुणा करा देंगे नीचे हैं, और फिर क्या करेंगे 2 से हम भाग दे देंगे। तो इस प्रकार हमारा द्रव्यमान निकल जाएगा कि एम का मान कितना हुआ। तो ये
यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल रुद्रा कंपटीशन को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका अगला पार्ट मैं कल फिर से अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।